गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है समझ लीजिए। आपको विदित है कि लघु उद्योग की स्थापना में 14 प्रकार की जानकारियां महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें से प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण टूल है, आवश्यकता है, आवश्यक है। उद्यमी को पीआर के बारे में विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। उद्योग की स्थापना करने से पूर्व उत्पाद का निर्माण, लेआउट ऑफ इंडस्ट्री, इंस्टॉलेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग का संचालन, विपणन, मार्केटिंग आदि की जानकारी पीआर में दर्शाई जाती है। संपूर्ण जानकारी एकत्र करके पीआर तैयार करनी चाहिए। पीआर के आधार पर ही उद्योग का रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, लोन सैंक्शन और ग्रांट्स ऑफ सब्सिडी यानी अनुदान स्वीकृति, रिबेट इन टैक्स, टैक्स में जो छूट इत्यादि मदद मिलती है। पीआर को तैयार करते समय निम्न सूचनाओं का संकलन किया जाता है। यानी पीआर में 8 बातें आती हैं, 8ों को आप याद कर लीजिए। पहला है सामान्य सूचना, दूसरा प्रोजेक्ट का विवरण, तीसरा बाजार क्षमता, चौथी पूंजी लागत एवं वित्त के स्रोत, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान, और छठा है अन्य वित्तीय पहलू, और सातवां प्रोजेक्ट कार्यान्वयन अनुसूची, और आठवां सारांश। तो 8 जो बातें हैं ये आपको याद हो जानी चाहिए। कभी छोटा क्वेश्चन हो तो इतना लिख दो कि साहब पीआर में 8 बातों का ज्ञान होना चाहिए, बड़े के लिए फिर इनका वर्णन कर दो। सामान्य सूचना, जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या क्या बातें आती हैं। पीआर में निम्न सूचनाएं देनी होती हैं। पहला उद्योग का नाम व पता, दूसरा उत्पाद के उपयोग, बाजार में उत्पाद की भविष्य में मांग, उत्पाद की डिमांड और सप्लाई की वर्तमान अवस्था में इस उत्पाद को चयन करने के कारण आदि की जानकारी। तीसरा उद्यमी संबंधी जानकारी भी दी जाती है, उद्यमी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आयु, पता, शैक्षणिक योग्यता, प्राप्त प्रशिक्षण, कार्य अनुभव, परिवार व अन्य संबंधित जानकारी, ये उद्यमी की जानकारी आती है। चौथा आता है सामान्य सूचना में उद्योग का प्रकार, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है या उसका स्वामित्व किस प्रकार का है, ये चारों जानकारी सामान्य सूचना में आती हैं। दूसरा प्रोजेक्ट का विवरण, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या कहता है पीआर में निम्न बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। साइट जहाँ पर प्रोजेक्ट का स्थान स्वयं का है, लीज पर लिया गया है तथा इंडस्ट्रियल एरिया में है या अनुमोदित है, इस टाइप की बातें आती हैं स्थान के बारे में। दूसरा भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कच्चा माल, कुशल श्रमिक, फ्यूल, विद्युत, जल और अपशिष्ट निस्तारण इत्यादि बातें शामिल की जाती हैं। संचार के साधन, परिवहन सुविधाएँ, अन्य सामान्य सुविधाएँ, और अगला इसमें पॉइंट आता है प्रोजेक्ट के अन्य पहलू, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, और इसमें उत्पादन प्रक्रम एवं प्रौद्योगिकी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, मशीनों तथा उपकरणों की सूची, संयंत्र की उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण तथा निरीक्षण, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन इत्यादि, और अनुसंधान व विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है पीआर का, बाजार क्षमता, मार्केट पोटेंशियल। पीआर में बाजार क्षमता से संबंधित निम्न बातों की जानकारी होनी चाहिए। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें उत्पादन की कुल मांग व आपूर्ति, उत्पादन की लागत व विक्रय मूल्य का अनुमान, विपणन व्यूह रचना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये 3 जो बातें हैं बाजार क्षमता का ये ज्ञान होना चाहिए। चौथा है पूंजी लागत तथा वित्तीय स्रोत, कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो मेन जो कैपिटल पूंजी रहती है जैसे भूमि और भवन में है, मशीनें इत्यादि के लिए कितनी पूंजी, और कहाँ से वो स्रोत, कहाँ से प्राप्त करेंगे पूंजी, उसके बारे में विवरण होता है। 5वां है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो कार्यशील पूंजी है उसमें कच्चा माल, अन्य आवश्यक खर्चे यथा बिजली पानी के बिल, मजदूरी इत्यादि की जो रनिंग के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, उसका अनुमान लगाया जाता है। 6ठे में अन्य वित्तीय पहलू, अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अन्य वित्तीय पहलों में किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति। हमेशा कोई प्रोजेक्ट क्यों लगाएगा, लाभ प्राप्त करने के, तो इस हेतु चयन किया गया उत्पाद काफ़ी लाभप्रद, कि जो मैंने जो उत्पाद तय किया है, आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट किया है, वो लाभप्रद है कि नहीं, इसके लिए प्रोजेक्टेड लाभ हानि खाता बनाना चाहिए जिसमें संभावित विक्रय राशि, उत्पादन लागत दर्शाई जा सके। इसके साथ ही ब्रेक यून एनालिसिस द्वारा विक्रय के अलग अलग स्तर पर लाभ की स्थिति का अध्ययन दिया जाना चाहिए। इस तरह से उसको काफ़ी जो अन्य जो पैसे के मामले हैं, लाभ की पूंजी से उसका पता लग जाता है। 7वां जो पॉइंट है प्रोजेक्ट कार्यान्वयन अनुसूची, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। 7वां जो पॉइंट है पीआर का वो बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एक ड्यूरेशन के साथ विद डेट लिस्ट बना लेनी चाहिए, इतने दिनों में ये काम हो जाना चाहिए। कौन कौन से काम,
प्रोजेक्ट हेतु निम्न कार्यों को पूर्ण करने की अवधि में दिनांक दर्शाया जाना चाहिए। जो निम्न लिखित जो सूची है ये उसको पीआर बनाते समय जो उद्यमी को बनानी चाहिए। भूमि का अधिग्रहण कि भूमि कितने में अधिग्रहण कर लूंगा, इकाई का पंजीकरण कितने में रजिस्टर हो जाएगा, वित्तीय संस्थानों से ऋण, फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट से ऋण लेना है उसके बारे में दिनांक सहित कितने दिनों में ले लूंगा, भवन का निर्माण बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वित्तीय संस्थान भवन का निर्माण, बिजली का कनेक्शन, संयंत्रों मशीनों का आदेश देना, फिर उनकी प्राप्ति करना और उनका स्थापन, श्रमिकों की भर्ती, श्रमिकों को प्रशिक्षण, कच्चे माल का आदेश, कच्चे माल की प्राप्ति, फिर ट्रायल उत्पादन करते हैं और फिर ट्रायल उत्पादन में सक्सेस हुए उसके बाद व्यावसायिक उत्पादन। ये सात आखिरी जो बिंदु है पीआर में वो है सारांश कंक्लूजन। इसमें प्रोजेक्ट की तकनीकी संभाव्यता टेक्निकल फिजिबिलिटी यानी वो तकनीक रूप से कितना फिजिबल है कि नहीं, आपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हो क्या वास्तव में उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है, तथा पुनर्भरण अवधि सहित वित्तीय संभावना फाइनेंशियल वायबिलिटी आदि को दर्शाया जाना चाहिए। सारांश में कंक्लूजन को समझ लीजिए आप, इसमें प्रोजेक्ट की तकनीकी संभाव्यता टेक्निकल फिजिबिलिटी तथा पुनर्भरण अवधि सहित वित्तीय संभावना फाइनेंशियल वायबिलिटी आदि को दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रकार पीआर में जो 8 जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए और अपनी बात को पूरी करने से उससे पहले मैं आपको वापस पीआर के बारे में बता दूं। पीआर भी उद्योग लगाने का महत्वपूर्ण टूल है। इसमें 8 महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, सामान्य सूचना, प्रोजेक्ट का विवरण, बाजार क्षमता, पूंजी लागत एवं वित्त के स्रोत, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान, अन्य वित्तीय पहलू, प्रोजेक्ट कार्यान्वयन अनुसूची और सारांश। पीआर के लिए जो 8 पॉइंट हैं, 8 बातें हैं आपको कंठस्थ कर लेनी है और उद्यमी को भी इनको याद रखना है। इनके अनुसार पीआर बनानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। सामान्यतया इससे पीआर आपको डीआईसी में मिलती है, जिला उद्योग केंद्र, और जो जयपुर के छात्र हैं उनको तो उद्योग भवन में जा सकते हैं, वहाँ रीको है और जिला उद्योग केंद्र दो दो हैं, सारी आरएफसी है। तो आप जिला उद्योग इसमें उद्योग भवन में जाओ, सारी सूचनाएं मिलेंगी। पहले की आपको जो उत्पाद है उस पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी, आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ भी लीजिए तो आपको ज्ञान पूरा हो जाएगा। आज का इतना ही, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।